अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना आमिर, किचन में सना आमिर के साथ ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन ग्रेवी। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, मटन लिया है हमने, आधा किलो मटन लिया है। इसके अलावा हमने लिया सॉल्ट लिया है हाफ टी स्पून, पीसी मिर्चें लिए हैं 1 टीस्पून, पिसा धनिया लिया है 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है हमने 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें लिए हैं हमने 4 से 5, बीच में से कट कर लिए हैं, हरा धनिया लिया है हमने थोड़ा सा कट करा हुआ, 1 हमने बड़ी प्याज ली है ये कट करके रखी हुई है, 3 हमने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको पेस्ट बना के रख लिया है, 1/2 कप हमने ऑयल लिया है। इसके अलावा हमने लिए थोड़ी सी हल्दी, और यहाँ पर हमने लिया है 6 से 7 हमने लौंगे लिए, 2 हरी इलायची लिए, 1 दालचीनी की स्टिक लिए, 1 काली बड़ी इलायची लिए, और 6 से 7 काली मिर्ची लिए हमने। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पैन में हम 1/2 ऑयल डालेंगे, बस अभी 1/2 डालना है हमें, गरम होने देंगे, ऑयल हमारा गरम हो गया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और इसे बस लाइट ब्राउन कलर का, लाइट पिंक कलर करेंगे इसका, और इसको सौते करके निकाल लेंगे बस, और इसका पेस्ट बना लेंगे हम। प्याज हमारी ये देखिए पिंक कलर हो गई है, प्याज का हमारी पिंक कलर हो गया, अब हम इसको निकालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। प्याज का पेस्ट बना के हमने रख लिया, अब हम बाकी जो बचा हुआ ऑयल है वो डालेंगे, इसको गरम करेंगे। अब हम सब गरम मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, गोल डालेंगे और अच्छे से भूनेंगे इसको। पाँच मिनट हो गए हैं गोल भूनते हुए, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, पीसी मिर्चें, पीसा धनिया, हल्दी, नमक, ये सब डाल के 2 से 3 मिनट के लिए हम इसमें अच्छे से चमचा चलाएंगे, मिक्स करेंगे इसको। मसाला हमारा अच्छे से भून गया, अब हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे जो पीस के रखी है, टमाटर का पेस्ट डालेंगे। प्याज अगर आपके पास बड़ी नहीं है तो आप 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेके उनको भी पेस्ट बना सकते हैं। अब उबाल आने तक हम इसको तेज़ आंच पे उबाल लाएंगे इसका। ये देखिए उबाल आना स्टार्ट हो गया है, अब 30 मिनट के लिए, 25 से 30 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। इसमें हमने पानी नहीं डाला है क्योंकि टमाटर और प्याज अपना पानी खुद छोड़ेंगे, तो ये सब इसी में ही गलेगा। 30 मिनट हो गए, ये देखिए हमारा सालन अच्छे से रेडी हो रहा है। अब हम इसे थोड़ा सा और भूनेंगे, ये ऑयल बस हमारा ऊपर आ रहा है। अब हम इसमें 1/2 कप के करीब पानी डालेंगे, जितनी हमें ग्रेवी रखनी है। ये देखें बस, ये हमें इतना ही पतला चाहिए। ये देखें हरी मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे और 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। डिश रेडी हो गई है, अब हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा मटन ग्रेवी रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।